नमस्कार। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं गौरव सावंत और इस वक्त की बड़ी खबर लेबनन से आ रही है, जहां पर पेजर बम धमाकों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 12 के पार चली गई है। घायलों की संख्या 3,000 से ज्यादा है, लेकिन अंदेशा इस बात का है जो 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है, उनमें से कईयों की जान बचाना डॉक्टरों के मुताबिक बहुत बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पेजर पे जिस तरह से धमाके हुए, खासतौर पर तब वो मैसेज तब आया जब लोगों ने उसे देखना शुरू किया तो उनकी आंखें, उस समय विस्फोट हुआ और कई लोगों की आंखें चली गई, जिसमें ईरान के राजदूत लेबनन में शामिल है, हिजबुल्ला के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बेटा उसमें शामिल है जो मारा गया, और घायलों की संख्या 3,000 के पार है। कितना बड़ा है ये खतरा लेबनन के लिए, किसने किया, क्योंकि लेबनन ने तो सीधे तौर पर इसराइल और मोसाद को दोषी ठहराया है। इस समय मेरे साथ इस विशेष चर्चा में लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन, पूर्व डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इस विशेष चर्चा में जुड़ रहे हैं। जनरल KJS ढिल्लन या जनरल टाइनी ढिल्लन, स्वागत है आपका सर। थैंक यू गौरव एंड थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, ये जो लेबनन में हुआ है पेजर बम, किस रूप में आप इसे देख रहे हैं? लेबनन तो सीधे तौर पर इसराइल को इसके लिए दोषी ठहरा रहा है, क्या इसके लिए इसराइल की भूमिका वो किसी कुशल एविडेंस के बेसिस पर कह रहा है या पूर्वाग्रह से, क्योंकि उनको मुसाद पर शक है इसीलिए कहा जा रहा है, किस तरह का ये ऑपरेशन आपको लगता है? गौरव नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। वेस्ट एशिया में जैसे आपने बताया, जो भी कोई कार्रवाई होती है तो सीधे सीधे बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी डिटेल्स मर्ज होने से पहले ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है। ये उस इलाके की एक हिस्ट्री है। तो लेबनन में जो पेजर धमाके हुए, जिसमें जैसे आपने बताया बहुत कैजुअल्टी भी हुई, और उसका शक लेबनन की तरफ से सीधा मोसाद या इसराइल के ऊपर जाना और उनका इल्जाम लगाना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अभी तक ये एलिगेशन है जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जी, वो जी, ये है कि जिस तरह से एक सिंक्रोनाइज तरीके के साथ एकदम सही समय के ऊपर, एकदम से एक तकरीबन एक समय के ऊपर इतने सारे जो इक्विपमेंट हैं या डिवाइसेस हैं उनमें विस्फोट होना, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों ही कॉम्प्रोमाइज थे, और ये एक चर्चा का विषय है। ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। इसमें दो पहलू मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जो प्रारंभिक जांच में निकल कर आ रहा है, हिजबुल्ला कमांडर सैयद हसन नसरल्ला, जिस तरह से उनको शक था कि इसराइल मोबाइल फोन कम्युनिकेशन को सुन लेता है या ट्राइंगुलेट करके ये पता चल जाता है कि हिजबुल्ला के लड़ाके कहाँ है, तो हसन नसरल्ला ने आदेश दिया कि हिजबुल्ला के लड़ाके मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेजर का इस्तेमाल करेंगे, वो टेक्नोलॉजी वन वे कम्युनिकेशन की जो 90 के दशक के बाद इस्तेमाल हुई ही नहीं विकसित दुनिया में। ये एक इंटेलिजेंट डिसीजन था या एक ऐसा इंटेलिजेंट डिसीजन था जिसके आगे जो भी उनका प्रतिद्वंदी है वो वन स्टेप नहीं टू स्टेप अहेड था? जनरल साहब, जैसे कि बोला जाता है कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, उसी तरह से ही जैसे हिजबुल्ला और इसराइल एक दूसरे के साथ एक जंग की स्थिति में है, तो उसमें जो हिजबुल्ला का डिसीजन था उस टाइम पे शायद अपने आप में एक सही डिसीजन था कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि जैसे आपने बताया ट्रायंगुलेशन के बाद में लोकेशन पता लग सकती है, जो इंटरसेप्ट हो सकती है, उस टेक्नोलॉजी को ना अपना करके एक पुरानी टेक्नोलॉजी पेजर जो 90s में थी, आज से करीब 30 साल पहले, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा किया गया। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को भी इस तरह से करप्ट किया गया या कॉम्प्रोमाइज किया गया कि उसका जो हार्डवेयर था उसमें विस्फोटक पाया गया और उसका जो सॉफ्टवेयर था वो एक साथ इतने लोगों को मैसेज गया, और वो मैसेज, इसको टाइम बॉम्ब भी कहते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज, वो मैसेज एक मैसेज नहीं था, वो एक ट्रिगर था उस एक्सप्लोजिव डिवाइस को एक्सप्लोड करने के लिए या उसको इनिशिएट करने के लिए। सो ये टेक्नोलॉजी पुरानी थी लेकिन टेक्निक जो अपनाई गई वो लेटेस्ट थी, सॉफ्टवेयर जो यूज किया गया वो लेटेस्ट। तो ये एक बहुत जरूरी बात है कि इन टुडेज ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, इन टुडेज इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, आप किसी से छुपे हुए नहीं हो। अगर आपके हाथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो आप दिख रहे हो, आप सुन रहे हो और आपको टारगेट किया जा सकता है। ये भरोसा नहीं रखना है कि मेरी डिवाइस आउटडेटेड है या पुरानी है तो इसलिए मैं सेफ हूँ। नोबडी इज सेफ इन टुडेज एनवायरनमेंट अगर वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ लेकर चल रहा है।
वैसे इससे थोड़ा सा अलग मैं हट रहा हूँ, जब हमने गॉडफादर पिक्चर देखी थी तो उसमें डॉन डॉन कॉरियोने, डॉन बीटो कॉरियोने, वो इतने फोन पर बात नहीं करते थे क्योंकि उनको हमेशा शक रहता था कि FBI उनकी बातें सुन सकती है और वो कट एंड स्प्लाइस करके उनको इम्प्लीकेट कर सकती है। तो क्या जो अमेरिका में डॉन कॉरियोने के समय पर था कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो फोन पर बात ही नहीं करनी, अगर सुरक्षित रहना है क्या मोबाइल फोन को छोड़ना हो? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। देखिए, ओसामा बिन लादेन जब अफगानिस्तान में था, इतने दिनों तक अमेरिका की ऑलमोस्ट जो कहते हैं लेटेस्ट इन द टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस के बावजूद भी वो काबू में नहीं आया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को यूज ही नहीं कर रहा। वो किसी भी खच्चर या घोड़े पे बैठ के एक गुफा से दूसरी गुफा में जाता था, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान में एबटाबाद में आया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज हुई, इलेक्ट्रॉनिक कमीशन हुई, वो पिकअप की गई, इंटरसेप्ट की गई ट्रायंगुलेशन या क्वाड्रेंगुलेशन से, और उसकी लोकेशन का पता लगा, और रेस्ट इज हिस्ट्री। क्या एक और प्रश्न जो इस समय सबके मन में है, क्योंकि आपके पास मोबाइल फोन है, मेरे पास ये मोबाइल फोन है, क्या हमारी बातें कोई ना कोई बैठकर सुन रहा है और क्या कोई हमको देख भी सकता है अगर हम ना भी चाहे हमारे मोबाइल फोन पर? देखिए, ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, ये ओपन डोमेन इंफॉर्मेशन है, इसमें मैं कोई सीक्रेट बात नहीं कर रहा हूँ, कि अगर आपके पास डिवाइस है, देर आर सॉफ्टवेयर जो रिमोटली उस डिवाइस के कैमरा को या उसके माइक्रोफोन को ऑन कर सकते हैं, और उसमें वो आपकी बात सुन भी सकता है और वो आपको देख भी सकता है। इसमें सिर्फ एक ही शर्त है कि उस एजेंसी का या उस बंदे का आप में इंटरेस्ट होना चाहिए। यू शुड बी वर्थ हिज अटेंशन। आप एक इतने महत्वपूर्ण इंसान होने चाहिए जो कि वो अपना पैसा खर्च करके आपके मोबाइल को हैक करके उसका माइक्रोफोन या उसका कैमरा स्विच ऑन करके आपकी बातें सुन सके। क्योंकि अगर करोड़ों लोग दुनिया में मोबाइल फोन लेकर चल रहे हैं और हर किसी के बारे में सुनना या जानना शायद इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, लेकिन अगर किसी का आप में इंटरेस्ट है, देन यू आर वल्नरेबल। ये तो भी एक बात कि दुश्मन की एजेंसीज या कोई अगर एस्पियोनेज कर रहा है तो वो आपकी बातें सुनना चाहेगा या आपके फोन को खंगालना चाहेगा, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, आपके फोन में कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, वो सब जानकारी वो ले सकता है। लेकिन इससे और संवेदनशील और एक और बात, क्या दुश्मन देश और खासतौर पर भारत जिसके पास इस तरह के मोबाइल फोन दुश्मन देशों से भी आते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं, या ऐसे एक्सपेंशनल पार्ट जो हमसे हॉस्टाइल है, क्या वो इस तरह का धमाका हमारे मोबाइल फोन पे भी कर सकते हैं, या हमारी सेना के, हमारी पुलिस के, हमारे नेताओं के, हमारी आर्मी के मोबाइल फोन पे ऐसे धमाके कर सकते हैं? देखिए, हिस्ट्री में, रिसेंट हिस्ट्री में ये ऐसे किस्से हुए हैं जब बैंकिंग्स को अटैक किया गया है, जब कम्युनिकेशंस को अटैक किया गया है अलग अलग देशों में। इसमें टेक्नोलॉजी के रियल में या टेक्नोलॉजी की हदबंदियों में सब कुछ मुमकिन है। किसी भी एजेंसी को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज, अटैक या डाउन किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी उसकी इजाजत देता है। एक चीज जो है जो टेक्नोलॉजी के बाहर है वो है इंटेंशन। अगर दुश्मन देश की इंटेंशन है कि हमारी बैंकिंग या हमारे इलेक्ट्रिकल ग्रिड या हमारी एयरलाइंस या हमारी रेलवेज या हमारे और कोई भी कम्युनिकेशन कमांड एंड कंट्रोल किसी को भी अटैक करे, तो अगर उसके हार्डवेयर में ऐसा गुंजाइश है कि वो उसमें एंटर कर सकता है, और वो सॉफ्टवेयर, देखिए बड़ी कॉमन सी बात है, हमारे पास जो हम सबके पास मोबाइल फोन है जैसे आपने बताया, उसके अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं और हम उसको बिना देखे, हाँ दिस इज टू फिक्स सम बग्स हियर, दिस इज टू इम्प्रूव द वीडियो क्वालिटी, दिस इज टू इम्प्रूव द पिक्चर क्वालिटी, हम उसको क्योंकि कंपनी की तरफ से आया है हम उसको मान करके उसको हम अपडेट कर देते हैं। जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उसके साथ में कोई ना कोई ट्रोजन या कोई ना कोई डिवाइस को जो है कॉम्प्रोमाइज करता है, या कोई ना कोई ट्रिगर आपके डिवाइस में आ सकता है या आपके सिस्टम में आ सकता है। उसके लिए बहुत जरूरी है फायरवॉल, उसके बहुत जरूरी है एंटीवायरस की अपग्रेडेड वर्जन, और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें दुश्मन देश के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पे डिपेंड ही नहीं करना। दैट इज द अल्टीमेट एम। अगर हमारा खुद का बनाया सॉफ्टवेयर, हमारा खुद का बनाया हार्डवेयर हमारे देश में, खास करके
जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे बैंकिंग होगी, रेलवे होगी, एयरलाइंस होगी, जहाँ आपकी इलेक्ट्रिकल ग्रिड होगी, वाटर सप्लाई ग्रिड होगी, ये सभी जो है ये हमारे खुद के बनाए हार्डवेयर और खुद के बनाए सॉफ्टवेयर के तहत काम करना जरूरी है। इसलिए मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसके ऊपर हमें और ज्यादा तवज्जो देनी है, उसको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाना है। हमारे देश में कई लोग क्योंकि सस्ता है और सस्ते में ज्यादा टेक्नोलॉजी देने का दावा करता है तो चाइनीज मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। क्या चाइनीज मोबाइल फोन्स पर प्रतिबंध होना चाहिए? कुछ चाइनीज एप्स पे प्रतिबंध है, क्या पूरी तरह से मोबाइल फोन्स और दूर संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में चाइनीज एप्स पर, चाइनीज कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पर, चाइनीज टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से बैन होना चाहिए? जैसे आपने बताया, क्योंकि ये चाइनीज इक्विपमेंट या चाइनीज टॉयज या चाइनीज दिवाली की लड़ियां तक भी, हमारे जो भगवानों की मूर्तियां हैं वो भी चाइना से आती हैं और वो सस्ती बिकती हैं, इसमें वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे कंट्री में बने और शेयर नंबर्स जो टर्नओवर है वो इस चीज को इंश्योर करेगा कि हमारा जो एंड प्रोडक्ट है, जो एंड कंज्यूमर है, उसके पास में आइटम सस्ती पहुंचे। उसके लिए सबसे पहली बात है हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कि हम देश में इतनी क्वांटिटी में वो आइटम प्रोड्यूस कर सकें। अगर हमारा 140 करोड़ का देश है, अगर हमारे 50 करोड़ लोग भी मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वो 50 करोड़ मोबाइल प्रोड्यूस करने की, उसको रिप्लेस करने की, उसको अपग्रेड करने की क्षमता हमारे को इन हाउस बनानी है। जैसे वो क्षमता बन जाएगी तो शेयर नंबर्स विल इंश्योर कि वो चीज़ सस्ती होगी और एक आम नागरिक के पॉकेट के अंदर वो उसको खरीद सकता है। तो दिस इज अ प्लान, वी हैव टू हैव 3 स्टेजेस ऑफ दिस प्लान एज अ कंट्री, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लेकिन जब तक हम हर एक देशवासी को ये सहूलियत दे सके, सबसे पहले प्रायोरिटी वन में आना है कि जो हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो हमारे कमांड एंड कंट्रोल हैं, जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज, वो तो हमें डेफिनेटली ही इंडियन सॉफ्टवेयर और इंडियन हार्डवेयर के कंट्रोल उसके तहत रखना है। तो प्रायोरिटी वन में हमारे को ये चीज़ों को मजबूत दब करना और उनको स्ट्रेंथन करना है ताकि वो ब्रीच नहीं हो सके। जो हिजबुल्ला के साथ हुआ, इट इज जस्ट वन इंसिडेंट। जस्ट इमेजिन अगर ये चीज एक बड़े लेवल के ऊपर एक दुश्मन देश के खिलाफ उस टाइम पे, जबकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो, अगर आपकी लड़ाई चल रही है दुश्मन देश के साथ, एक क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर अगर आपके कोई सर्विसेज को ठप कर दे तो कितना बड़ा नुकसान देश का हो सकता है। तो इसके लिए बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मैं आपसे वो कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट जानकारी तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या पब्लिक डोमेन में इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो देश के साथ साझा करनी चाहिए कि चाइनीज कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मोबाइल फोन से लेकर दूर संचार के क्षेत्र में अब तक जो की भूमिका रही है, या फाइबर ऑप्टिक्स में या फिर रेडार प्रणाली में भी, अगर कुशल रेडार में उनकी भूमिका रही है, क्या ये देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है जिसके प्रति पूरे देश को एकजुट और जागरूक होने की आवश्यकता है? बिल्कुल, देशवासियों को जागरूक करना, उनको अवेयर करना, उनको खतरे का आभास दिलाना, उनको एजुकेट करना, ये एक बहुत जरूरी बात है। अगर आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है या उसके बारे में मालूम नहीं है और फिर आप टारगेट हो जाते हो या आपका नुकसान हो जाता है तो ये आपकी गलती है या हमारी गलती है। इसलिए अवेयरनेस जो क्रिएट करनी है देश में वो एक बात है। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि धीरे धीरे हमें ये चीज इंश्योर करनी है कि दुश्मन देश का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमारे देश में नहीं आए। वो एकदम से नहीं हो सकता, देयर इंटरनेशनल ट्रीटीज, देयर ट्रेड ट्रीटीज, उसके तहत विद इन द इंटरनेशनल नॉर्म्स हमें ये चीज इंश्योर करनी है कि प्रायोरिटी वन में जो हमारे बहुत जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है, उनको प्रोटेक्ट करना है, और प्रायोरिटी टू एंड थ्री में बाद में लास्ट मैन स्टैंडिंग है एज द सेम, हर एक देशवासी को हमें सिक्योर करना है। तो ये एक प्लान होना चाहिए, दिस हैज टू बी वर्क ऑन, और इसमें कोई सिक्योरिटी वाली बात नहीं है। अगर मुझे अपनी वल्नरेबिलिटीज नहीं मालूम और फिर मैं हिट हो जाता हूं तो ये मेरी गलती है। हमें अपनी वल्नरेबिलिटीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। छोटी सी बात है, हमारे सबके घर में ये अलेक्सा एंड ऑल दीज आइटम्स आर देयर, कारों में भी है। कभी हम आपस में बैठे बात कर रहे हैं, सडनली वो अलेक्सा बोल पड़ती है, सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, सॉरी मेरे को समझ नहीं आया, या वेदर ऐसे है वैसे है, इसका मतलब वो हमारी बातें सुन रही है। So these small, you know, examples
कि हम हर वक्त अंडर वॉच हैं और ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बात आपने की, क्योंकि कई बार आजकल तो गाड़ियों में भी आप गाड़ी चला रहे हैं और आपस में किसी से बात कर रहे हैं और एकाएक आपकी गाड़ी का स्पीकर बोल पड़ता है सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, इसका मतलब कोई आपकी बातें सुन रहा है और वो क्लैरिटी चाहता है। तो इसको डिसेबल कर देना चाहिए अपने पूरे सिस्टम से, जो इस तरह की डिवाइसेस हैं जो वैसे तो हमको आराम अभी दे रही है, अभी आराम दे रही है, लेकिन बाद में पछताना पड़ सकता है। तो क्या हम ये समझे कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, ये जो सस्ता चाइनीज सामान है ये लेना हमको बंद करना पड़ेगा? और खासतौर पर हिजबुल्ला पर ये जो हमला हुआ है इसके बाद अब सबको जान जाना चाहिए। बिल्कुल, और खास करके जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं या इम्पोर्टेंट पोजिशन में हैं या जिनके पास जानकारी है जो दुश्मन लेना चाहता है, तमाम उन अपॉइंटमेंट्स को, उन इंडिविजुअल्स को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को तो बिल्कुल एकदम से ये सामान को यूज करना बंद करना चाहिए और बिल्कुल मेक इन इंडिया, जो इंडिजिनस स्टफ है उसी को यूज करना चाहिए। धीरे धीरे हर एक को यूज करना, अपना इंडियन सामान यूज करना चाहिए और तब तक ये थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा, हर किसी की रीच में भी आ जाएगा। सो इट हैज टू बी अ रोल ओवर प्लान, कुछ समय लगेगा लेकिन ये पक्का होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि हम लोग भी वल्नरेबल है। एक सिनेरियो जो कुछ लोग जिनसे बात हो रही थी, क्योंकि आप ये देखिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो पूरा अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक काफी बड़ी मात्रा में इस समय दोनों ही तरफ सेनाएं डिप्लॉयड है। क्या ऐसा हो सकता है कि सेना के जवानों के पास जो मोबाइल फोन है वो ऑपरेशन से बिल्कुल पहले एक्सप्लोड करने लगे, और जिस तरह के अभी नुकसान हमने हिजबुल्ला का देखा है, ईश्वर न करे हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्या ये बड़ा खतरा हम लोग के लिए भी है? जैसे मैंने पहले बताया, टेक्नोलॉजी के दायरे में सब कुछ मुमकिन है, सिर्फ इंटेंशन जो है उसका उसमें मिक्सचर करना। अगर दुश्मन देश की इंटेंशन है कि वो हमारे एसेट्स को या हमारे इंडिविजुअल्स को या हमारे सिटीजन्स को या हमारे सोल्जर्स को इस तरीके से या उस तरीके से नुकसान पहुंचाए, अगर वो इंटेंशन उसमें है और वो इस इंटेंशन को इम्प्लीमेंट करता है तो टेक्नोलॉजिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें हर किसी को सचेत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बिना अवेयरनेस के टारगेट होते हैं तो ये हमारी गलती है। अगर हम अवेयर हैं और उस चीज के खिलाफ हम प्रिकॉशन ले रहे हैं तो फिर ये हमारी सेफ्टी है। और सेफ्टी में ही बचाव है। जनरल साहब, आज तक पर आप मेरे साथ जुड़े इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा पर, क्योंकि ये सामान्य जीवन में आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के और आज तक पर हमारे सुनने वालों के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे पास जितनी अधिक जानकारी होगी हम उतना ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इस विशेष चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय। थैंक यू एंड जय हिंद।